सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो आप लोगों को हम लोग वीडियो दिखाने वाले हैं, जिस गाड़ी को दिखाने वाले हैं, वो टेक्निकली 2022 की अभी लेजिट है, जब तक उसका नया अपग्रेडेशन नहीं आता है। तो 2022 की आप लोगों को महिंद्रा स्कॉर्पियो हम लोग दिखाने वाली है। जब नया मॉडल आएगा तो तब वो नया बन जाएगा, फेसलिफ्ट बोल सकते हैं उसको या फिर पूरा अपग्रेडेड बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए 2022 की महिंद्रा स्कॉर्पियो ही रहने वाली है। आज हम लोगों ने स्कॉर्पियो बहुत सारी करी है और लोग कनेक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को समझ भी बहुत सारा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन की हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि स्कॉर्पियो के जो भाई मतलब फैन फॉलोइंग है, जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, मतलब आज भी मैं लोग देख रहा हूँ पाजी, उनको पता है कि गाड़ी फेसलिफ्ट होके आने वाली है, लेकिन अभी भी गाड़ी ले रहे हैं लोग। इस मॉडल के भी अलग फैन है। देखिए, एक रॉब होता है इस गाड़ी का, अगर वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड कर देंगे तो आई थिंक कई कस्टमर बेस लूज भी होगा, नया ऐड होगा तो लूज भी होगा। जैसे बोलेरो नियो सबने अप्रिशिएट नहीं करी, क्योंकि बोलेरो की लोगों को वो रगेड लुक, वो टीयूवी को उन्होंने बोलेरो बना दिया तो इसलिए वो ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिला। लेकिन एक चीज इसके अंदर है भाई, महिंद्रा को जिस चीज के लिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऑडियो के लिए हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं महिंद्रा थार देने के लिए, हमें स्कॉर्पियो देने के लिए, हमें उसके बाद XUV700O देने के लिए। अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं XUV700O का ऑडियो सेटअप, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आएगा तो वो हाई एंड ही बनेगा, कुछ अलग ही निकल के आएगा। क्योंकि अभी लोग जो है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घबरा रहे हैं कि मेरा डोर पैड खुलेगा नहीं खुलेगा। जब एक बंदा अपना डोर पैड खुलवा देगा उसके बाद सबको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या कहते भाई इस बारे में? आई डोंट नो कितनी डिलीवरीज हुई है, क्योंकि रोड में दिख नहीं रही ज्यादा। मेरी सोसाइटी में एक या दो खड़ी है गाड़ियां, ठीक है, अगर कुछ नहीं हो लास्ट में उनको बोलूंगा भाई कुछ ऑडियो ऑडियो करा लो, क्योंकि मतलब अगर आप ऑन गोइंग देखोगे तो रोडों में चल नहीं रही है। आप ही मेरे को मतलब मैं इसीलिए, जैसे थार आज के टाइम पे हर सेकंड कॉर्नर पे नजर आने लग गई है, राइट। ये क्रेटा जिस तरीके से हम कहते हैं, तो हमें पता है कि कितना क्रेज XUV700 का भी है, और जिस क्रेज से आ रही है उस क्रेज से उसका आफ्टर मार्केट काम होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत ही एंथुजियास्टिक ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो भी आज बात करें तो स्कॉर्पियो काले रंग की स्कॉर्पियो है, जबरदस्त दिख रहा है। तो इसका ना देखिए, एक बहुत वेरिएशन है, S5 मॉडल है, तो नॉर्मली लोग S5 to S11 बेस पर वो हम नहीं करते, तो हमारे पास ऑडियंस बड़ी निश आती है जो कि कहती है कि जी हाँ, साउंड पहले चाहिए, ये एक्सेसरी फॉग लाइट का बाद में वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हाँ ये भी आज बड़े पैशनेट हैं, जो पहले सारी ही गाड़ी आज डैम्प हो रही है और स्टेजेस में काम हो रहा है, लेकिन आज भी जो फर्स्ट स्टेज होगा वो प्रीमियम होगा, तो अगेन सोनी या पायनियर का हेड यूनिट होने वाला है, एक अच्छा कॉम्पोनेंट होने वाला है, एक एम्प होने वाला है और एक सबवूफर है, मे बी रेयर कॉम्पोनेंट और सबवूफर हमारा सेकंड स्टेज पे जा सकता है। नहीं, सबवूफर अभी वो ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, अभी एक सबवूफर ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में बड़ा अपग्रेड करेंगे, लेकिन बाद में अपग्रेड, जैसे रेयर स्पीकर अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेयर में पाजी थोड़ा सा मतलब लोग, आपने भी देखा है, क्योंकि डोर पैडों में जगह नहीं है, पीछे लोगों को लगवाना पड़ता है कुछ वो जो ऑप्शन, लेकिन कैबिन इतना बड़ा है ना सर कि इसमें चार स्पीकर्स की जरूरत इवेंचुअली पड़ेगी, जैसे कि अगर कोई छोटी गाड़ी आ जाए, मे बी ब्रीजा, i20, स्विफ्ट, बलिनो, व्हाटएवर, इस साइज की सेगमेंट गाड़ी में अगर एक कंपोनेंट भी अच्छा लग रहा है, एम्प के साथ पावर हो रहा है, तो वो एक अच्छी साउंड दे देता है। स्कॉर्पियो में इट कैन बी एन इशू, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट है गाड़ी का, कैबिन स्पेस है, वो बहुत ही ब्रॉड है, तो वहां पे शायद रेयर में स्पीकर की जरूरत, क्योंकि इन्होंने मिड स्पीकर की भी डिस्कशन करी है कि हम मिड डोर्स में भी स्पीकर चाहते हैं, वो कि हमें पता है कि वो फिटेबल है, तो कल को अगर इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम मिड स्पीकर में भी वहां भी जगह दे देंगे इनको। चलो भाई, तो पाजी ने आप लोगों को जो है चीजें बता दी है, आप लोगों को गाड़ी की तरफ लेके चलते हैं, क्या वर्किंग चल रही है आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग जो है आप लोगों को स्कॉर्पियो की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसमें पाजी जो है आप लोगों को चीजें समझा देंगे कि हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले काले रंग की स्कॉर्पियो है जो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले, तो सबसे प्रायर जो हम लोगों ने अपग्रेडेशन किया है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने करी है वो फुल डैम्पिंग जो है इस गाड़ी में करी है। भाई इसमें हमने दो लेयर करी है, तीन लेयर करी है, इसमें भी वही थ्री लेयर हो रही है हमारा इंटरनल, और इन्होंने प्रॉपर अपना फ्लोर भी डैम्प कराया, तो हमने सबसे पहले आपने देखो कि डैम्प सारा फ्लोर किया है। अच्छा, फ्लोर डैम्प, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा सा कहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आपको वैसे डैम्पिंग दिख रही होगी, ये देखो आप लोग, ठीक है। तो इसका फ्लोर भी पूरा डैम किया गया, तो स्कॉर्पियो में आई गेस नीड है फ्लोर डैम की। हाँ, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें इंसुलेशन प्रॉपर चाहिए, फिर प्रायोरिटी मेन थी कि हमें हेड यूनिट एक अच्छा साउंड क्वालिटी वाला हेड यूनिट चाहिए, तो सोनी पायनियर में से हमें पायनियर ही अभी प्लान किया कि पायनियर लगेगा। उसमें भी जो कंपोनेंट लग रहा है वो ग्राउंड जीरो का रेडियो एक्टिव सीरीज लग रहा है, ठीक है भाई। तो और ये कौन सा वाला एम्प लग रहा है? ये इसका एम्पलीफायर है, ठीक है, ग्राउंड जीरो की इरिडियम सीरीज का हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ठीक है भाई। ये आप लोगों का एम्पलीफायर का लुक देखने को मिल जाएगा। हेड यूनिट जो है वो हम लोग जो है पायनियर की लगाएंगे, और इसके कंपोनेंट का कोई बॉक्स है भाजी जो ऑडियंस को चेक करा सके? हाँ, अभी चेक करवा देंगे, एक ऑडियंस को जो है हम लोग चेक करा देंगे। और क्या क्या मतलब भाजी जो भैया ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या चीजें है इसमें? ये टू स्टेजेस में होनी है, तो होना सेटअप इनका पूरा ही है, चार कंपोनेंट लगने हैं, इवेंचुअली
दो एम्प लगने हैं, एक वूफर लगना है, लेकिन राइट नाउ जो इस स्टेज पे अभी हम लगा रहे हैं वो फ्रंट कंपोनेंट एम्प और वूफर लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम प्लान कर रहे थे कि चारों स्पीकर लगाएं, लेकिन पीछे के स्पीकर से ज्यादा अगर आप वूफर ऐड कर लेते हो तो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। करेक्ट। और ये हम लोगों का जो है रेडियो एक्टिव है, ये सेम वही सेटअप है जो आप लोगों ने फॉर्च्यूनर के अंदर सुना था, वही सेम चीज जो है आप लोग स्कॉर्पियो में भी लगा रहे हैं। अब अगेन अगर आप लोग पाजी जो कहते हैं ना कि क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जो फॉर्च्यूनर के अंदर आ रहा था, क्या वो सेम फीलिंग स्कॉर्पियो के अंदर आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए ऑफ कोर्स जब स्टीरियो बहुत बेटर लग जाता है स्पाइनियर का, तो साउंड की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, तो उतना सराउंड अभी नहीं होगा क्योंकि हमारे रेड स्पीकर्स मिसिंग रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी और एसक्यू पॉइंट कहते हैं जो साउंड क्वालिटी लेवल होगा वो शायद उतना ही होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मीनवाइल जो है यहाँ पर पूरी वर्किंग चल रही है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी वर्किंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सो देयर यू गो, यहाँ पर हम लोग के जो है ट्विटर्स की प्लेसमेंट चल रही है। ठीक है, एंड इट लुक्स रियली नाइस। सो मीनवाइल जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है उसके बाद आप लोगों को और दिखाते हैं। मीनवाइल जो है आप लोग क्रेटा भी यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। तो क्रेटा उन भैया की है जिनकी हम लोगों ने महिंद्रा थार कर दी। भाई थोड़ा मास्क नीचे कर दो, थोड़ी आवाज़ जो अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है, तो जिन भैया की आप लोगों ने महिंद्रा थार देखी थी, भैया ने उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा कहा था कि हम लोग अपनी क्रेटा भी जो है लेके आएंगे, और कोइंसिडेंस है कि भाई भैया जो है वो भी आज आए और आज हम लोग भी जो है आप लोगों को। अच्छा, वो भैया ने वो गलती नहीं करी क्योंकि उनके में से वायरिंग और हमें स्पीकर निकालने पड़े थे ये हमें पूरी फ्लैट गाड़ी थी, भैया ने कहा भैया इसमें कोई गलती का स्कोप नहीं है। पहली बार मतलब नॉर्मली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने कभी भी पाजी को ये नहीं दिखाया कि पाजी ने बैक कैमरा लगाया या कुछ लगाया, लेकिन अगर आप लोग आते हो तो ओवरऑल बैक कैमरा वाला जो असिस्टेंस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए एक असिस्टेंस मैं देता हूं क्योंकि उसमें वायरिंग हैसल और हमने लगाए भी हुए हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल मैं नहीं करता क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम वायर्स के साथ में भी क्या होता है उसमें जो आपका रिबन होता है उसको कटने के बहुत चांसेस होते हैं, इसकी वजह से आपका एयर बैग आपकी गाड़ी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही में दो तीन बंदे हैं जो कर देते हैं, तो अगर आएंगे तो हम रेफर कर देते हैं जो कि जो स्पेशलिटी है जिसकी उसी से ही वो काम करे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो भैया सबसे पहले काम जो है वो कैसा हुआ है पहले बता दो। बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा। और क्या क्या चीज़ें लगाई है वो आप लोगों को हम लोग दिखा देते हैं। तो सबसे पहले भैया का जो वेरिएंट है, इट्स अ बेस वेरिएंट कार, लेकिन भैया ने इसको पूरा प्लान किया हुआ है कि इसको मैं पूरा टॉप मॉडल में ही कन्वर्ट करूंगा। तो पाजी इसमें हमने सोनी का जो है हेड यूनिट लगाया, 8000 है 9000 है। ये मैंने उस दिन जब इस दिन थार आई थी तो हमारी एक्सटेंसिव डेस्टिनेशन में भैया का दिल नहीं था, इनको ये फ्लैश लुक पसंद थी लेकिन साउंड भी बहुत अच्छी चाहिए थी, तो मैंने फोर्सफुली भैया को सोनी लगा के दिया। ठीक है, तो भैया ने मेरी बात मानी। 8000 है 9000 है? 8000 मॉडल है सोनी का भैया। वर्थ है? वर्थ है। आवाज का जो फील है वो बहुत फर्क आ रहा है। और ये इशू था देखिए भैया, जैसे उस दिन थार में आप देखते बिना वूफर लगाए भी बेस नहीं आ रही, जैसे इस गाड़ी में आपको फील हो रही है। हाँ, तो वो एक चीज होती है। और हमने कंपोनेंट्स कौन से भैया के उसमें रन कर रहे हैं? देखिए कंपोनेंट भी हम पहले बेसिक ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज भैया ने थोड़ा सा दिल खोल लिया तो भैया ने सीधा R62 पे जंप किया फ्रंट में, और पीछे भी हमने बहुत अच्छा हेलिक्स का कोएक्सियल लगाया, साउंड मैगस का 4-channel एम्प लगाया है, और एक सबवूफर भी हमने रखा है। सबवूफर कौन सा हम लोग प्ले कर रहे हैं? सबवूफर कौन सा? पावर बेस। पावर बेस का सबवूफर है सील्ड एनक्लोजर में। भैया को बहुत ज्यादा बूमी बेस नहीं चाहिए थी, करेक्ट, तो अंदर के हिसाब से एक टाइट बेस चाहिए थी, तो हमने पावर बेस का सील्ड सजेस्ट किया था, वही लगा। ठीक है भाई, तो क्रेटा में आप लोगों को मैंने इससे पहले भी एक अपग्रेड दिखाया जो ब्लैक कलर की क्रेटा था जिसमें SX एग्जीक्यूटिव था जिसके अंदर स्टीरियो नहीं था, बंदे ने फिर स्टीरियो जो है कंपनी से लगाया, कंपनी से उन्होंने बताया 1,60,000 का स्टीरियो है। सीरियसली उन्होंने मेरे को बात बताई कि 1,60,000 का स्टीरियो आ रहा है, मेरे को यकीन नहीं हुआ। 1,60,000 रुपए का स्टीरियो सेमी कंडक्टर की वजह से आएगा, हो सकता है नहीं, नहीं, अभी भी मांग रहे। अभी भी शायद उन्होंने आफ्टर मार्केट में 60,000 या 70,000 रुपए का वो लगवाया था, टॉप मॉडल वाला जो आता है 80,000 रुपए का, तो भैया बता रहे हैं आप लोगों को। और बाकी जैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना। आउटपुट एक बार आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बैक कैमरे की जो चॉइस है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग जो है ऑन गो करा सकते हो। पाजी इसको एक प्रैक्टिस नहीं बनानी है, लेकिन अगेन ये आप देखिए क्रेटा बेस मॉडल आ रही है, स्टीरियो कैमरा हम लगा के देंगे, उसकी कोई आपको टेंशन नहीं। सीट कवर? सीट कवर हमारे फैक्ट्रीज इतनी आसपास हैं, आप आओ सीट कवर भी आपकी आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं। बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आपको वन स्टॉप कुछ चाहिए तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी भैया ने बेस वेरिएंट में आप लोग पता है मेरे को बहुत सारे लोग बोलोगे कि भैया ये अलॉय तो टॉप मॉडल वाले, तो ये भैया ने अपग्रेड कराया, क्या क्या कराया भैया और अपग्रेड? ये अलॉय लगवाए, टायर चेंज करा लिए। ठीक है भैया। और स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल करवा लिया, चेंज करा लिया, ऊपर का जो जो ऊपर आप लोगों का सनग्लास होल्डर नहीं आता वो भैया ने लगवा दिया। और क्या चीज़? रूफ रेल चेंज करा दिए। ठीक है, रूफ रेल कंपनी वाली है, कौन सी है? चिपकने वाली है, उड़ सकते हैं इसके तो थोड़ा उड़ने के चांस होते हैं। और क्या करें? और लाइट की सोच रहे हैं, बट लाइट के लिए लोगों ने सजेस्ट नहीं किया कि फ्रंट लाइट की जो टॉप मॉडल की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा ठीक नहीं है। एक चीज लगा सकते हो भैया आप, जो मैं आप कहूंगा, एक इधर ना एक स्ट्रिप आती है
अब आजकल थोड़ी अच्छी क्वालिटी में उसके खराब हो जाती है, पहले तीन गाड़ियों में लगा, अच्छा लगा चुके हो, अब एक क्वालिटी आई है कोई नई वाली जो अभी ताइवान वाली बता रहे हैं, है जेन्युइन ताइवान की नहीं वो तो आप चेक करके बताओगे, लेकिन एक स्ट्रिप आ रही है वो थोड़ा गाड़ी का लुक बढ़ाती है मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो मॉड ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो कंपनी से आया हुआ होगा। हाँ, बट पहले क्या होता था ना वो आधी खराब हो जाती है आधी चलती, फिर बंदे का मूड खराब होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे आने टाइम में भैया जो है क्रूज कंट्रोल भी डलवा देंगे, बहुत सारी चीजें क्रूज कंट्रोल डल चुका है, तो सब चीजें जो है ओवरऑल भैया ने करा दी है। बाकी एक बार आउटपुट में आप लोगों को सुनाता हूँ फिर आपसे और बातचीत। फीडबैक टाइम जो है वो है, अभी आप लोगों को फीडबैक भैया से दिलवा देंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों को हम सबवूफर का ऑप्शन दिखाए थे, ठीक है, तो इसमें हैमेटक का हम लोगों ने सबवूफर जो है 500 RMS का हमने सबवूफर अभी लगाया है, ठीक है भाई। जैसे हम लोगों ने स्विफ्ट में अपग्रेड दिखाया था इसमें हैमेटक ही लगाया था, वो कितना था हमारा स्विफ्ट का जो इनिशियल अपग्रेड जो इनिशियल गया था, हाँ वो यही 500 RMS का सबवूफर था। तो अभी हमारे पास एम्पलीफायर नहीं है इसको कम्प्लीटली रन करने के लिए, लेकिन अभी हम इसको 4 ओम्स की वायरिंग पे 4 चैनल से डायरेक्टली रन कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इनका एंड प्लान यही है कि दे वांट लाउड डीप बेस, तो मोनो एम की प्लान करेंगे लेकिन अपने सेकंड स्टेज पे। तो इस स्टेज पे हमने एक अच्छा फ्रंट कंपोनेंट, एक एम्प और एक वूफर लिया, तो वूफर हम फ्यूचर प्रूफ कर दिया हमने, ताकि कल को जब ये मोनो एम्प लगाने आए तो अगेन वूफर इनको चेंज ना करना पड़े। जो नेक्स्ट मॉड मोस्ट प्रोबब्ली रहेगा वो यही रहेगा कि इनको एक मोनो एम्प आएगा, या फिर इनके रेयर डोर पे या सेकंड रोज पे हम स्पीकर्स प्लान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने करीबन मतलब जो मोटे मोटे जो कैमरे के अंदर शूट हो रखे 3-4 शूट किए, जो कि हमने स्कॉर्पियो में दिखाए थे, रियर दिखाए थे, और दैट मेक करना चाहते हैं तो जितना इनका बजट था उसमें हम आराम से पूरा सेटअप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको क्वालिटी साइड पे ज्यादा लिया है, क्वांटिटी पे नहीं लिया, ठीक है, तो वो भैया भी बताएंगे कि हमने इसी हिसाब से प्लान किया था। मैं भैया से फीडबैक लूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि जो इसके रियर डोर पैड्स है क्या इसमें इंस्टॉलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। डुएबल है, देखिए यहाँ पे जैसे मिड बेस का हमने रिंग बना के इसको बाहर लाएंगे, ट्विटर की पोजीशनिंग करेंगे, डुएबल है, लेकिन ये थोड़ा तसल्ली का काम है। Correct. तो व्हेनेवर ही कमिंग नेक्स्ट, मैंने इनको कहा आप दरअसल मॉर्निंग का टाइम रखेंगे, ठीक है, इसको आराम से अगर यहीं पे करना होगा तो हम यहीं पे करेंगे। Correct. नहीं तो वो भी हमारे पास अभी ओपन है, दोनों पोजीशन। अगर हम लोग बात करें तीन रो का, जैसे बोलते हैं कि नॉर्मली अगर तीन रो वाली आप लोगों की गाड़ी है तो लास्ट वाली जो आप लोगों की रो है उसमें हम लोग यहाँ पर आप लोगों को जो है नॉर्मली दिखाते हैं कि यहाँ पर आप लोग स्पीकर्स की पोजीशनिंग कर सकते हो। तो अगर इस मॉड के लिए हम लोग जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मॉड रहने वाला है, वहाँ पर आपको थोड़ी ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमारा डायरेक्टली ऑल्टरेशन यहाँ भी करनी पड़ेगी, वो कटिंग होती है जो स्टैंडर्ड होती है, नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है, ऑल्टरेशन वहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो जब कोई देखिए जिस तरीके का ये इनका प्रोफाइल है, इन्होंने बेस मॉडल ली इसीलिए कि पूरी गाड़ी अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए फाइनल जजमेंट इनकी होगी। तो अभी ये कह रहे हैं कि मैं पहले आपको इसका फीडबैक दूंगा, ठीक है, कि ये किस तरीके से मुझे अच्छा लगा, राइट, नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो फिर भैया ही बताएंगे। चलो वेरी नाइस, तो आप लोगों को जो है मैं इसके बाद आउटपुट भी सुना दूंगा। सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए, अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष कैसा लगा पहले तो, सबसे पहले जो पूरा वर्किंग आपने होते हुए देखा कैसा लगा, वायरिंग का जो देखा, जो लोग काम कर रहे थे, जब आपका स्टीरियो खोला गया या स्टीरियो लगाया गया, कैमरा लगाया गया, सारे कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट हुई, सब ऊपर लगाया, कैसा था काम, कैसा था सब कुछ? काफ़ी प्रोफेशनली किया गया था, मतलब ऑल द टेक्नीशियंस दैट वी हैव ओवर हियर, उन्होंने बहुत नीट और क्लीन काम किया है। वो हम अगर दिखाना चाहेंगे तो किस तरीके से वायरिंग अंडर सीट सब ऊपर की वायरिंग वगैरह जो की है बहुत ही क्लीन क्रिस्प है, कहीं भी एक फॉल्ट निकालने के लिए मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे मैं फॉल्ट के लिए कुछ नहीं बोलूँगा कि किसी टेक्नीशियन का काम कुछ अलग गलत हुआ है, वो बहुत ही नीट और परफेक्ट काम हुआ है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि काम बाहर से करवाया, इट लुक्स लाइक कि आप फैक्ट्री फिटिंग करा रहे हो, वो सब करा रहे हो,
गाड़ी खोल के दोबारा पैक हो चुकी है, बट अभी भी आप वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कुछ आपका काम हुआ था। अगर टोनैलिटी के बारे में बात करें, स्टॉक में तो इस पे कुछ था नहीं, नहीं स्टॉक में कुछ नहीं था। टोनैलिटी के बारे में अगर अभी बात करते हैं, व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज कंप्लीटली जस्टिफाइड, व्हाट वी हैव व्हाट वी थॉट ऑफ कि क्या था। बट अभी जैसे भैया ने बोला था, सेकंड स्टेज में हम लोग जो प्लान करेंगे पीछे के स्पीकर्स प्लान करेंगे, अभी हमने आगे एक ही कंपोनेंट लगवाया है, तो फिर आई गेस वो मोर देन इनफ है, अभी मोर देन इनफ है, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा फील करके अभी आप फ्रंट स्टेजिंग का मजा ले रहे हो, फ्रंट स्टेजिंग का मजा ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको पीछे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, फिर भैया की रिकमेंडेशन भी थी कि स्कॉर्पियो में इसमें पीछे होना चाहिए स्पीकर्स, बिकॉज आगे का एक फ्लॉ है उसमें। ठीक है, बस ये है। चलो आई गेस अंतरिक्ष भाई ने आप लोगों को फीडबैक दिया, तो एक बार थम्स अप करना, थम्स अप, बिल्कुल थम्स अप। परफेक्ट परफेक्ट। सो आई गेस आप लोगों को आइडिया मिल चुका है, आप लोग सीधे जाके जो है इसका एक आउटपुट सुनो, उसके बाद आउटपुट जो है आप एनसीएस में सुन पाओगे, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल सुनाया तो कॉपीराइट आ जाएगा। आप लोग सीधे जाओ और सुनो एनसीएस, इसके बाद सीधे इंस्टाग्राम में जाओ मुसाफिर 7811, वहाँ पर आप लोगों को पंजाबी हिंदी अंग्रेजी जैसा भी गाना सुनना आप लोगों को सुना देंगे। हम लोगों का जो है स्कॉर्पियो का ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अगर पीछे से आप लोगों को कुछ आवाजें आ रही हो तो आप लोग समझ लेना कि पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर हम लोगों को बताना। पाजी, अगर हम इस सेटअप के बारे में बात करें तो कितना कॉस्ट करता है? देखिए स्टेज वन सेटअप था, लेकिन हाँ मोर ऑर लेस हमारी सारी चीजें टॉप एंड लग चुकी हैं इस गाड़ी में। लेकिन हाँ, जैसे हमने लास्ट फॉर्च्यूनर दिखाई थी तो उसमें पूरा सेटअप हमने किया था, चार कंपोनेंट एम्प वूफर एवरीथिंग। इसमें हमने फ्रंट हाई एंड कंपोनेंट लगाया, एक अच्छा क्वालिटी एम्पलीफायर लगाया, एक अच्छा हैवी वूफर लगाया हैमरटेक का, और स्टीरियो भी हमारा टॉप ऑफ द लाइन पाइनियर हो गया। डैम्पिंग 5290 के अंदर, हाँ डैम्पिंग पूरी H2H चारों डोर्स डिक्की फ्लोर पूरी हुई है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ये सेटअप हुआ है ये 110,000 का हुआ है, 110,000, हाँ सो अराउंड 30-35,000 का इसका अपग्रेड पेंडिंग है, जो कि हम रेयर स्पीकर्स प्लान करेंगे और वूफर करेंगे। तो वही मैं कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप जो हम प्लान कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते, बहुत ही हाई एंड लेके जाना चाहते हो, या आप अगर आपका बजट 50-60K भी है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑडियो पर से हो, देखिए अगर आपको ऑडियो की रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी है, मैनी आई एम नॉट अगेंस्ट एंड्रॉयड हैज अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, लेकिन अगर आपकी ऑडियो प्रायोरिटी है तभी आप सोनी पाइनियर कंसिडर करोगे, नहीं तो अच्छे क्वालिटी के एंड्रॉयड भी आते हैं, तो वो सेटअप 25-30-40 में भी डुएबल है। तो बहुत सारी वेराइटीज है स्कॉर्पियो के लिए, आपका वट एवर बजट इज ए 20-25,000 सेटअप स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई आई होप कि आप लोगों ने जो है सब चीज़ें समझ ली है, ये काम जितना भी हुआ है ये मोटर कॉन्सेप्ट में हुआ है। मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग काम कराने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ी सी प्लानिंग करके जो है ज़रूर आए, और इसी के साथ में आप लोगों को जैसा बताया कि बजट फ्रेंडली हम लोग काम करते ही है, और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए हम लोगों के पास बहुत अच्छी रेंज है, तो आप लोग आके रेंज भी समझिए। और अगेन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे और फिर आप जो है उसमें जो है चीज़ें समझ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेगा। हर गाड़ी में हर आवाज़ जो है वो सेम नहीं होती है, वो अलग तरीके से बजती है, क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली, हमने तीन गाड़ियां डिफरेंट होराइजन में देखी, तो जो आप फील हमारे शोरूम पे आके ले सकते हो, जो अंडरस्टैंड, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इतनी वीडियो देखने के बाद भी आपके कई बार कंफ्यूजन लेवल आपका बढ़ जाता है, आपका आप यू आर नॉट श्योर कि मैं किस तरीके से विच स्पीकर इज बेस्ट फॉर मी। तो अगर आप फोन पे क्वेरी कर रहे हो तो बी स्पेसिफिक के पास ही मुझे ये चीज चाहिए, अगर आप नहीं है तो हम फोन पे ना आपको सेटअप नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए आप एक बार फेस टू फेस, मैं कभी नहीं कहता, आज हमारे पास अगर दो गाड़ियां, हमने तीन गाड़ियां की तो देयर वर 6-7 डिफरेंट सेटअप्स वी डिस्कस्ड टुडे, तो डिस्कशन हम यहीं पे आगे दिखा देते हैं कि आप आओगे आप कहोगे कि मेरा 20,000 का बजट है मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये चीज ना हम फोन पे नहीं डिस्कस कर पाते, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो भाई, तो आई होप आप लोगों को जो है सब चीज समझ आई है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में
हमें फॉलो कर सकते हैं मुसाफिर 78 के नाम से। अगर आप मोटर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहो तो मोटर कॉन्सेप्ट के नाम से आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। फेसबुक में अगर हमें फॉलो करना चाहे लिखिए मुसाफिर कार्स। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिटिल लैंड कीप वॉचिंग एंड